नमस्कार दोस्तों, नेशनल अपडेट्स के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं आज के महत्वपूर्ण अपडेट्स। दोस्तों पहली अपडेट आरआरटीएस से है, जहां दोस्तों आरआरटीएस के लिए लगभग 4,472 करोड़ रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट ने आवंटित कर दिया है बजट 2021 में। दोस्तों 2020 में एनसीआरटीसी के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने करीब 2,487 करोड़ रुपए आवंटित किया था, तथा दोस्तों इस साल करीब 4,472 करोड़ रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट ने आवंटित किया है आरआरटीएस को। इसके अलावा दोस्तों इस यूनियन बजट में गवर्नमेंट ने 1016 किलोमीटर अंडर कंस्ट्रक्शन मेट्रो रूट के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने बजट अलॉट किया। दोस्तों दिल्ली गाजियाबाद मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर, जिसमें दोस्तों 24 स्टेशन का निर्माण होगा तथा 2 डिपोर्ट्स का निर्माण होगा दुहई और मोदीपुरम में। दोस्तों इस प्रोजेक्ट की ऑपरेशनल डेडलाइन 2022 रखी गई है, तथा दोस्तों इस कॉरिडोर के पूरे निर्माण की डेडलाइन 2025 रखी गई है, यानी कि 2025 तक इस पूरे कॉरिडोर का निर्माण पूरा करने का टारगेट रखा गया है। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट जेवर गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट से है, जहां दोस्तों यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे जेवर में देश का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने जा रहा है, तथा दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहां पर MRO यानी कि मेंटेनेंस रिपेयरिंग एंड ओवरहोल्डिंग हब बनाने का प्लान बनाया है। दोस्तों भविष्य में यहां पर भारत के एरोप्लेन के इंजन की मरम्मत कार्य किया जाएगा। दोस्तों अभी मरम्मत के लिए ज्यादातर सिंगापुर, श्रीलंका, यूरोपीय देशों पर भारत को निर्भर रहना पड़ता है। इससे दोस्तों देश का बहुत सारा पैसा खर्च हो जाता है, वह अन्य देशों में पहुंच जाता है। वहीं दोस्तों इसके निर्माण से भारत के सहयोगी देश भी अपने एरोप्लेन इंजन के मेंटेनेंस का कार्य भारत में करा सकेंगे, जिससे दोस्तों भारत में पैसा आएगा। दोस्तों सरकार इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट को ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से भी जोड़ने का कार्य कर रही है। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट भारत बायोटेक से है, जहां दोस्तों भारत बायोटेक और पेनसिल्वेनिया बेस्ड से एक पैक्ट साइन हुआ है, जिसके तहत दोस्तों भारत बायोटेक कोवैक्सीन को डेवलप, सप्लाई और कमर्शलाइज करेगी US मार्केट में। दोस्तों भले ही ऑक्सीजन कंपनी अमेरिका की नहीं है, ये कंपनी पेनसिल्वेनिया की है, लेकिन दोस्तों इस कंपनी के पास ये राइट्स हैं कि ये अमेरिकन मार्केट में अपनी वैक्सीन की सप्लाई कर सके इसके लिए दोस्तों इसे अमेरिकन रेगुलेटरी अप्रूवल्स की जरूरत होगी। दोस्तों भारत बायोटेक इस कंपनी को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेगा, तथा ये कंपनी अमेरिका के अंदर वैक्सीन की मैन्युफैक्चरिंग करेगी। इसके बदले दोस्तों ये फार्म लगभग 45% मुनाफा भारत बायोटेक को देगा। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट एक फ्रॉड से रिलेटेड है, जहां दोस्तों भोपाल के अंदर एक मामला सामने आया है, जहां अमेजोन पर एक आयुर्वेदिक कंपनी ने अमेजोन के खिलाफ गुड़गांव में धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। दोस्तों इस आयुर्वेदिक कंपनी का कहना है कि अमेजोन पर इस कंपनी के डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स बेचे जा रहे थे, तथा अमेजोन पर अपील करने के बावजूद भी अमेजोन ने कोई कार्रवाई नहीं की। दोस्तों करीब इस कंपनी ने दावा किया है कि डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स बेचने से करीब इन कंपनी को 5 करोड़ का नुकसान हुआ है। दोस्तों इससे न केवल इस आयुर्वेदिक कंपनी का नुकसान हुआ है, बल्कि उपभोक्ता को भी नुकसान हुआ है, क्योंकि वे डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स को यूज कर रहे हैं। दोस्तों ऐसा भारत की ई कॉमर्स कंपनियां अक्सर करती आ रही हैं। दोस्तों आप इससे ये सीख सकते हैं कि अगर आप ऑनलाइन कोई खाने पीने का सामान खरीदते हैं, तो एक बार उसकी सेलर रेटिंग जरूर चेक कर ले, वो वेरीफाइड सेलर है या नहीं। नहीं तो दोस्तों आपको भी डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स अमेजोन के थ्रू या फ्लिपकार्ट के थ्रू मिल सकता है, तो इन बातों का ध्यान जरूर रखें। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट उत्तर प्रदेश से है, जहां दोस्तों उत्तर प्रदेश न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी UPNEPA ने रिक्वेस्ट ऑफ सिलेक्शन इन्वाइट्स किए हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ 275 मेगावाट ग्रिड कनेक्टेड सोलर पावर प्रोजेक्ट इन उत्तर प्रदेश। दोस्तों ये प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश के 5 लोकेशंस में सेटअप किए जाएंगे। इसमें 50 मेगावाट का सोलर प्लांट कानपुर देहात में स्टैब्लिश किया जाएगा और 205 मेगावाट का सोलर प्लांट जालौन के 4 तहसीलों में स्टैब्लिश किया जाएगा। दोस्तों बिड सबमिशन की लास्ट डेट 1 मार्च 2020 रखी गई है। दोस्तों उत्तर प्रदेश में सोलर प्रोजेक्ट से रिलेटेड बहुत सारे टेंडर्स हाल ही में ओपन किए गए हैं, नवंबर में और इस महीने में, तो इसमें दोस्तों बड़े कार्य हो रहे हैं। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट भारत के ई कॉमर्स सेक्टर से है, जहां दोस्तों भारत सरकार ने बजट 2021 में फाइनेंस एक्ट 2016 में संशोधन कर ई कॉमर्स टैक्स को 2% बढ़ा दिया है। दोस्तों ये टैक्स इन सभी ई कॉमर्स कंपनियों पर लगाया जाएगा जो भारत के अंदर व्यापार करती हैं। दोस्तों भारत की व्यापारिक संगठन कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स कैट ने इस प्रस्ताव का स्वागत किया है। दोस्तों टैक्स इंक्रीज होने से भारत की ई कॉमर्स जाइंट अमेजोन और फ्लिपकार्ट को बहुत ज्यादा नुकसान झेलना पड़ेगा। दोस्तों कैट ने इन ई कॉमर्स कंपनियों पर उत्पादन की जानकारी छुपाने के आरोप लगाए हैं कि ये कंपनियां ये नहीं बताती हैं कि ये उत्पादन किस देश का है, कहां से मैन्युफैक्चर हुआ है। दोस्तों आप अक्सर अमेजोन पे सामान खरीदते हैं, क्योंकि दोस्तों अमेजोन एक दूसरे देश से सामान को लेता है और सेलर्स के सामान को भारत में बेचता है समेत पूरे विश्व में बेचता है। तो दोस्तों आपको ये ध्यान होगा कि भारत ये जानना चाहता है कि किस चीज से वो इंपोर्ट करता है, क्योंकि भारत ने बहुत सारी चीजों पे स्टैम्प ड्यूटी और कस्टम ड्यूटी इंक्रीज की थी चाइना के प्रोडक्ट्स पर। तो दोस्तों ये हाइड कर देता है
है आइडेंटिटी किस देश से है अमेजोन, और इससे दोस्तों भारत को टैक्स में बहुत ज्यादा नुकसान होता है और चाइनीज चीजें भारत में बिकती हैं और बिना किसी एक्स्ट्रा टैक्स दिए, जिससे दोस्तों इसको हम टैक्स चोरी कह सकते हैं। और इससे दोस्तों चाइना को भी फायदा होता है और अमेजोन को भी फायदा होता है। दोस्तों इन कंपनियों को ये टैक्स 2020 के अप्रैल से देना होगा, यानी कि जो पिछला साल बीत गया है उसका भी जोड़कर इन्हें 2% एक्स्ट्रा टैक्स देना होगा। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट इंडियन स्टार्टअप से रिलेटेड है, जहां दोस्तों भारत का दिल्ली बेस्ड स्टार्टअप सत्य माइक्रो कैपिटल ने फंड रेज किया है। करीब दोस्तों इसने 153.25 करोड़ का फंड जापान बेस्ड गोंजो एंड कंपनी लिमिटेड से रेज किया है। दोस्तों ये स्टार्टअप एमएसएमईज को लोन प्रोवाइड करता है तथा इसने अब तक 4.5 लाख वुमेन एंटरप्रेन्योर को भारत के 21 राज्यों में करीब 260 करोड़ रुपए का लोन प्रोवाइड किया है। दोस्तों देखा जाए तो ये स्टार्टअप बहुत ही अच्छा स्टार्टअप है, क्योंकि दोस्तों ये देश के अंदर एक सोशल वर्क कर रहा है, ये खासकर एमएसएमईज के क्षेत्र में तथा वुमेन एंटरप्रेन्योर को ऋण दे रहा है, उन्हें सशक्त बना रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर दोस्तों आप कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर जरूर शेयर करें। अगर दोस्तों आपको ऐसी वीडियो देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद आपका ये वीडियो देखने के लिए।